हेलो एंड वेलकम। टुडेज टॉपिक इज हार्ड फोक। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्विक रिवीजन की फोक किसे कहते हैं? तो जैसे कि ब्लॉकचेन में हमारे पास कोड्स होते हैं और कभी कभी किसी बग्स के वजह से या रेगुलर अपडेट्स के वजह से जब भी हम उन कोड्स में चेंजेस करते हैं तो फोक्स जनरेट हो जाते हैं। ये फोक्स दो तरह के होते हैं, सॉफ्ट फोक्स और हार्ड फोक्स। फोक्स क्या होते हैं और सॉफ्ट फोक्स के बारे में कंप्लीट जानकारी जानने के लिए आप ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आज हम जानेंगे हार्ड फोक्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। हार्ड फोक्स जो है वो बैकवर्ड इनकम्पैटिबल है, जिसका मतलब है कि अगर आपने पुराने रूल को छोड़ के किसी नए रूल में अपग्रेड कर लिया है तो आपके सारे ही ब्लॉक्स को उस नए रूल को मानना पड़ेगा। इट इज स्ट्रिक्ट एंड रिजिड इन नेचर। तो ऐसे में क्या होता है कि सारे ही ब्लॉक्स एक साथ यूनानिमसली नए रूल्स को मानने लगेंगे और एक नया ब्लॉकचेन जो है वो कंपैटिबली बनने लगेगा। बट इन केस लोग यूनानिमसली किसी एक कंसेंट पे नहीं आते हैं तो हमारे पास टू डिफरेंट ब्लॉकचेन्स बन जाती हैं, जो एक ही ब्लॉकचेन का पार्ट होते हुए भी टू डिफरेंट ब्लॉकचेन्स की तरह से वर्क करती है। तो यहाँ पे परमानेंट डाइवर्जेंस हो जाता है, एक ब्लॉकचेन जो पुराने रूल्स को फॉलो करती हो और एक ब्लॉकचेन जो नए रूल को फॉलो करती हो। ये लोग आपस में एक दूसरे के ब्लॉक्स को इनवैलिड कंसिडर करते हैं और एक दूसरे के ब्लॉक्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इस तरह के रिजिड या स्ट्रिक्ट फोक को हम लोग कहते हैं हार्ड फोक। इसको हम लोग एक आसान से एग्जांपल से बेहतर समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास प्रीवियस रूल कहता है, यानी एग्जिस्टिंग रूल कहता है कि हमारे ब्लॉकचेन में ब्लॉक का साइज विल बी मैक्सिमम 1 MB, 1 MB से ज़्यादा नहीं होगा। बट हमने कोड में चेंजेस किए और अपडेट करने के बाद हम कहते हैं कि हमारा नया रूल कहेगा कि ब्लॉक का मैक्सिमम साइज कैन बी 8 MB। अब 8 MB तक के ब्लॉक्स को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा देखते हैं। हमने ब्लॉक माइन करना शुरू किया, ब्लॉक का साइज़ है 1 MB और पुराने रूल के अकॉर्डिंग इट इज़ वैलिड, तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट ब्लॉक का साइज़ है 0.7 MB, इट इज़ ऑल्सो वैलिड अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रूल, हम इसको भी ऐड कर देंगे। नेक्स्ट ब्लॉक जो आपने माइन हुआ हुआ देखा है यहाँ पे 7 MB, तो अब ये 7 MB आपके नए रूल को फॉलो करता है विच इज़ ऑफ मैक्सिमम 8 MB साइज़, तो इसको फॉलो करता है, इसको भी हम लोग ब्लॉकचेन में ऐड कर देंगे उन लोगों के साथ जिन्होंने नया अपग्रेड कर दिया है, न्यू रूल को फॉलो कर रहे हैं उनके साथ। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमारी चेन जो है वो सही तरह से चल रही है। बट हम आगे बढ़ते हैं और एक नया ब्लॉक माइन हुआ है जिसका साइज़ है 0.5 MB। अब ये ब्लॉक जो है ये 0.7 MB के ब्लॉक के बाद ऐड नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर चेन बनेगी 1 MB, 0.7 MB, 7 MB एंड 0.5 MB विच विल बी इनवैलिड, क्योंकि 7 MB का ब्लॉक आपके इस चेन में आ नहीं सकता। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपके पास एक फोक जनरेट हो गया है और ये फोक जो है ये हार्ड फोक है। इसको हम हार्ड फोक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जितने भी ब्लॉक्स माइन होंगे, जो पुराने माइनर्स माइन करेंगे वो आपके 0.5 MB के बाद ही ऐड होंगे और जितने भी ब्लॉक्स नए माइनर्स माइन करेंगे वो 7 MB के बाद ही ऐड होंगे। तो यहाँ पे से आपके पास दो डिफरेंट ब्लॉक चेन्स बन चुकी हैं जो कि एक हार्ड फोक के बाद ही बनती हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जितने भी ब्लॉक्स माइन हुए हैं 1 MB, 0.8 MB, जो पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग माइन हुए हैं वो इस चेन को फॉलो करेंगे, जो नए रूल्स के अकॉर्डिंग माइन हुए हैं वो इस चेन को फॉलो करेंगे। देर आर टू डिफरेंट चेन्स नाउ जो एग्जिस्ट करती हैं एक साथ, और यहाँ पे 8 MB के ब्लॉक के लिए दिस 1 MB ब्लॉक इज ए इनवैलिड ब्लॉक, क्योंकि ये आपकी ब्लॉकचेन का पार्ट ही नहीं है, अभी आपकी ब्लॉकचेन में एग्जिस्ट नहीं करता है। सिमिलरली इस 1 MB के ब्लॉक के लिए दिस 8 MB ब्लॉक इज इनवैलिड ब्लॉक, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरह से हार्ड फोक हो चुका है और दो डिफरेंट ब्लॉकचेन्स हमारी बन चुकी हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है इथीरियम और इथीरियम क्लासिक का। ये दोनों हार्ड फोक का ही एक एग्जाम्पल है, जहाँ पे दिस इज़ अ सेपरेट ब्लॉकचेन एंड दिस इज़ अ सेपरेट ब्लॉकचेन ऑफ सिंगल ब्लॉकचेन नेम्ड इथीरियम। सो दिस वाज इट फॉर हार्ड फोक। इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।